नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के केंट पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी के पास से 6 किलो से ज्यादा का गांजा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी सदर के RC ग्राउंड में गांजा बेचने की फिराक में खड़े थे, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपी गोरा बाजार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश में है कि दोनों आरोपी कब से गांजे की तस्करी में शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। CSP केंट भावना मरावी ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपी ने बताया है कि उनकी एक गांजा तस्कर से डील हुई थी, उसी को गांजा सप्लाई करने के लिए खड़े थे, तभी पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। केंट में कल RC ग्राउंड में दो व्यक्तियों को 6 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। उनके नाम गोविंद कुशवाहा और लक्ष्मी बहरिया, दोनों निवासी गोरा बाजार हैं। ये RC ग्राउंड में किसी को गांजा बेचने की फिराक में खड़े हुए थे, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने दबिश देके इनको पकड़ा। नहीं, अभी तक इनके पहले की कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 6 किलो गांजा बरामद। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।